तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में बस स्टैंड के पास फॉरेस्ट तिराहे पर स्थित लगभग 4 एकड़ भूमि पर बनाया गया एकमात्र नेचुरल गार्डन इन दिनों भारी दुर्दशा का शिकार हो रहा है। उपयोग नहीं होने के कारण वर्तमान में ये कबाड़ खाने में तब्दील हो रहा है। नगर परिषद ओमकारेश्वर के द्वारा वर्तमान सेंस 2016 का कबाड़ा एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के समय की जीप व ट्रैक्टर व अन्य सामान यहीं पड़ा सड़ गया है। सरकारें बदल गई, परिषदें बदल गई, पर किसी ने नगर परिषद ओमकारेश्वर के नेचुरल गार्डन के विस्तार के संबंध में विचार तक नहीं किया। ओमकारेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता रहता है, ऐसे में अभी भी तीर्थयात्री यहां आकर हरियाली एवं घास लगी होने के कारण भोजन नाश्ता करते हैं तो कहीं वृद्ध टहलने आते हैं। 4 एकड़ में बने इस नेचुरल उद्यान का अगर नगर परिषद ओमकारेश्वर प्रस्ताव पारित कर जन भागीदारी से या ठेके पर देकर बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए इंदौर एवं अन्य महानगरों की तर्ज पर विस्तार कर मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराती है तो परिषद को रोजाना एक बड़ी आय होगी। जानकार सूत्रों ने बताया कि इस बहुमूल्य जमीन पर सत्ता पक्ष व अन्य संस्थाओं की निगाहें टिकी है जो आश्रम एवं अन्य कार्यों के लिए जमीन को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में जागरूक नागरिकों ने नेचुरल गार्डन के विस्तार पर मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराकर गार्डन के विस्तार की पुरजोर मांग की है। उल्लेखनीय है कि ओमकारेश्वर में मध्य प्रदेश शासन की प्रसादम योजना के तहत पर्यटन विभाग द्वारा 40 करोड़ के लगभग कार्य ओमकारेश्वर में संचालित हो रहे हैं, जिनमें जनप्रतिनिधियों की बिना सहमति के कुछ कार्य ऐसे हैं जो अनुपयोगी बिना गुणवत्ता के चल रहे हैं। ठेकेदारों द्वारा पेटी कॉन्ट्रैक्टर को देकर कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान नेचुरल गार्डन को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रसादम योजना के तहत लगभग विकसित किया जाता है और संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम करता है तो तीर्थनगरी ओमकारेश्वर को नई सौगात मिलेगी। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर से दोपहर न्यूज के लिए ललित दुबे की खास रिपोर्ट।